Number 5, number 4, number 3. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व भूगोल से संबंधित 25 प्रश्नों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके अब देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एक बार और सुन लीजिए प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इसका आंसर होगा एशिया। एक बार और आंसर बता देते हैं, एशिया। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, एशिया और अफ्रीका को क्या अलग करता है? एक बार और प्रश्न सुन लीजिए, एशिया और अफ्रीका को क्या अलग करता है? इसका आंसर नोट कर लीजिए, स्वेज नहर और लाल सागर। एक बार और आंसर बता देते हैं, स्वेज नहर और लाल सागर। तीन नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं विस्तृत पठार कौन है? एक बार और तीन नंबर प्रश्न पढ़ देते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं विस्तृत पठार कौन है? इसका आंसर होगा तिब्बत का पठार। एक बार और आंसर बता देते हैं, तिब्बत का पठार। आइए चार नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसार का सबसे निचला भाग कहाँ अवस्थित है? एक बार और प्रश्न चार नंबर सुन लीजिए, संसार का सबसे निचला भाग कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा मृत सागर। एक बार और आंसर सुन लीजिए, मृत सागर, जिसमें कि इज़राइल, फिलिस्तीन एवं जॉर्डन में अवस्थित है, जो कि इज़राइल, फिलिस्तीन एवं जॉर्डन में अवस्थित है। पाँच नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक बार और सुन लीजिए प्रश्न, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा सिंधु नदी पर। एक बार और आंसर सुन लीजिए, सिंधु नदी पर, जो कि तारबेला बांध परियोजना है, जो कि तारबेला बांध परियोजना है। आइए छः नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छः नंबर प्रश्न, श्रीलंका किस जल संधि द्वारा भारत से अलग है? एक बार और प्रश्न सुन लीजिए, श्रीलंका किस जल संधि द्वारा भारत से अलग है? इसका आंसर होगा पाक जल संधि के द्वारा। आइए सात नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आदम का पुल कहाँ स्थित है? एक बार और सात नंबर प्रश्न सुन लीजिए, आदम का पुल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बार और आंसर सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच में। आठ नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आठ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्व के मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? एक बार और आठ नंबर सुन लीजिए, पूर्व के मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। नौ नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नेपाल का विदेशी व्यापार किस बंदरगाह से होता है? एक बार और सुन लीजिए, नेपाल का विदेशी व्यापार किस बंदरगाह से होता है? इसका आंसर होगा कोलकाता, जो भारत में है। आइए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? एक बार और सुन लीजिए 10 नंबर प्रश्न, भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका होगा अजगर। 10 नंबर का जो है आंसर अजगर होगा, यानी भूटान का राजकीय चिन्ह अजगर है। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी सागर स्थित है? एक बार और 11 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी सागर स्थित है? इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। एक बार और सुन लीजिए, बेरिंग जल संधि। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? एक बार और सुन लीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर होगा जावा। आइए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरते हैं? एक बार और प्रश्न सुन लीजिए, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरते हैं? इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व में काला महादेश के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? एक बार और सुन लीजिए प्रश्न, विश्व में काला महादेश के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? इसका आंसर होगा अफ्रीका। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका का सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर का नाम क्या है? एक बार और 15 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, अफ्रीका का सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर का नाम क्या है? इसका आंसर होगा किलिमंजारो। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? एक बार और सुन लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? इसका आंसर होगा अफ्रीका में। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान का नाम क्या है? एक बार और सुन लीजिए, 17 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा किम्बरले। एक बार और आंसर सुन लीजिए, किम्बरले। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव की उत्पत्ति का केंद्र किस महाद्वीप को माना जाता है? एक बार और 18 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, मानव की उत्पत्ति का केंद्र किस महाद्वीप को माना जाता है? इसका आंसर होगा अफ्रीका। आइए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश को क्या नाम क्या है? एक बार और सुन लीजिए 19 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सूडान।
आइए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे छोटा देश का नाम क्या है? एक बार और सुन लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे छोटा देश का नाम क्या है? इसका आंसर होगा मेवोटो। एक बार और सुन लीजिए, मेवोटो। आइए 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है? एक बार और 21 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है? इसका आंसर होगा नाइजीरिया। एक बार और सुन लीजिए, नाइजीरिया। आइए 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर किस नाम से जाना जाता है? एक बार और प्रश्न सुन लीजिए 22 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा आशा अंतरिप या उत्तरमाशा अंतरिप। इसका आंसर होगा आशा अंतरिप या उत्तरमाशा अंतरिप। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप एशिया को किन दो पर्वत श्रेणियों के सहारे अलग करता है? एक बार और सुन लीजिए, यूरोप एशिया को किन दो पर्वत श्रेणियों के सहारे अलग करता है? इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। इसका आंसर होगा यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। आइए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बाल्टिक देश में कौन कौन देश सम्मिलित हैं? एक बार और 24 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, बाल्टिक देश में कौन कौन देश सम्मिलित है? इसका आंसर होगा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एक बार और आंसर सुन लीजिए, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, स्कैंडिनेविया में कौन कौन से यूरोप के देश सम्मिलित हैं? एक बार और सुन लीजिए 25 नंबर, स्कैंडिनेविया में कौन कौन से यूरोप के देश सम्मिलित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। इसका आंसर होगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यही 25 प्रश्न था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर अगले सीरीज में फिर किसी नए विषय पर लेकर के आएंगे प्रश्न को, और देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।